राजकुमार राव लेकर आ गए हैं सभी लोगों के गुप्त परेशानियों का इलाज। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज दैट आर, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक। मेड इन चाइना आ चुका है इंडियन मार्केट में, यानी कि इंडियन व्यूअर्स के लिए लेकर आ गए हैं राजकुमार राव मेड इन चाइना का ट्रेलर। फाइनली धमाकेदार ट्रेलर आउट हो गया है। ट्रेलर देखते ही आपको हंसी जरूर आ जाएगी और जरा सा हीट भी फील होगा। जो लोगों ने वीडियो देखा है वो इस बात को जरूर समझ पा रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला, हीट भी फील होगा। अदरवाइज अगर मैं बात करूं, निखिल मसाले इस फिल्म के डायरेक्टर और साथ ही साथ दिनेश विजान लेकर आ गए हैं मेड इन चाइना, जिसमें हमें ऑफकोर्स एज ऑलवेज राजकुमार राव फैंटेबुलसली एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं विद कॉमेडी दिस टाइम। एंड साथ ही साथ अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो मौनी रॉय और साथ ही साथ राजकुमार राव की केमिस्ट्री ट्रेलर में मुझे बड़ी यूनिक लग रही है, बड़ी डिफरेंट केमिस्ट्री लग रही है। और टॉपिक इस बार का बड़ा डिफरेंट है, किस तरीके से कस्टमर को उल्लू बनाना है और किस तरीके से एंटरप्रेन्योर बनना है, इस पर बेस्ड कुछ कहानी लग रही है। और किस तरीके से जो है एक सेक्स एजुकेशन की भी बात कही जा रही है यहाँ पर, कि किस तरीके से सेक्स रोग जो होते हैं या फिर सेक्सुअली डिसऑर्डर्स जो होते हैं उस चीज़ को ट्रीट करते हुए किस तरीके से ये फिल्म जो है पूरी गोलम गोल होने वाली है, पूरी तरीके से रोटेट होने वाली है फिल्म, और इस स्टोरी को दिखाया जाने वाला है इन अ वेरी कॉमेडी वे। तो कहीं ना कहीं देखना बड़ा दिलचस्प लग रहा है। और साथ ही साथ जब परेश रावल और बोमन ईरानी जैसे सुपरबली टैलेंटेड एक्टर्स हैं तो स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी अच्छी हो ही जाती है। अब मैं बात करना चाहूँगी इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की। अगर आप ट्रेलर में बैकग्राउंड स्कोर सुने तो डेफिनेटली आप गरबा करने के लिए मजबूर फील करेंगे, बिकॉज ऑफकोर्स बैकग्राउंड स्कोर में आपको वापस से दो रीमेक वर्जन, लेकिन वेरी नाइसली संग रीमेक वर्जन सुनाई दे रहे हैं। अब वो गाने कब रिलीज होंगे इसकी एक्साइटमेंट मुझे ज़्यादा हो रही है। बट यस, ट्रेलर अपने आप में इंटरेस्टिंग, फनी, एंटरटेनिंग सब कुछ लगा मुझे विद अ गुड कॉन्टेंट आई एम होपिंग, क्योंकि ट्रेलर ही अपने आप में अच्छा कॉन्टेंट दिखा रहा है। सो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से राजकुमार राव जो है अपना ये प्रोडक्ट यानी कि मेड इन चाइना इंडियन ऑडियंस को सर्व करते हैं, जिस तरह और किस तरीके से वो बेस्ट एंटरप्रेन्योर एज एन एक्टर बन के नजर आते हैं। सो मैं अपनी तरफ से इस ट्रेलर को देना चाहूँगी विदाउट एनी डाउट 4.5 स्टार्स। और आप कितना पसंद है आपको कॉमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, एंड साथ ही साथ कितनी हीट फील हुई इस ट्रेलर को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताओ। अनसब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग।